आज राज्य लोकसभा के नए सांसद श्रीमान रंजीत सेठ जी राज्य का दौरा किए और अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ करके जो जीत दी है 16,000 की विजय जी, तो हमें लगता है कि आगामी पाए कभी हमारे पूर्व में नहीं हमारे 16,000 खिलाड़ी जनता को संदेश यह है कि उनके उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे खरा उतरे। लाल जी, बीके तिवारी जी, अर्जुन गुप्ता जी और कह सकते हैं कि दशकों से लगातार काम करते रहे ऐसे शशि जी और हम कह सकते हैं कि लगातार हमारे साथ हम जब काम करते थे और एक एक व्यक्ति, एक एक जनता, एक एक मतदाता, एक एक उपाध्यक्ष की ओर से अपने माननीय सांसद जो आपके सदन में आपके क्षेत्र के आवाज बनने वाले हैं संजय सेठ जी, उनको मैं सूबे के विकास के लिए निरंतर अपना सहयोग करते रहे। लेकिन जब खिलाड़ी का पूरा परिदृश्य देखते हैं कि खिलाड़ी की समस्या, खिलाड़ी में सड़क, खिलाड़ी के अंदर प्रदूषण की समस्या, खिलाड़ी में जो नो एंट्री के समय जो ट्रकों का काफिला, ये चार पांच ज्वलंत मुद्दे, पानी की समस्या, इन समस्याओं पर हम जब चर्चा करेंगे तो आने वाले दिनों में परिणाम भी सुखद होंगे। जब हम खिलाड़ी जब आते थे, अभी जब आ रहे थे, तो हमने पूछा कि ये दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतार लगी है सड़क पर, आवागमन प्रभावित होता है, तो उसका क्या उपाय है? तो हमको बताया गया कि उपाय इसका एक मात्र है, जहां माइनिंग हो गई उस स्थान को फिलअप करके भरना उनको है, उनको जंगल भी लगाना है। अगर हम वहां पार्किंग की व्यवस्था कर दें भारी वाहनों की, तो नगर के अंदर कोई यातायात की समस्या नहीं होगी। इस पे हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे, ताकि जो भारी वाहन है जिससे आवागमन प्रभावित होता है, वो आवागमन प्रभावित न हो और उचित पार्किंग की व्यवस्था हो। हमने देखा